मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। मेरे पास में बुक है, आई हैव बुक। इट मीन्स जब कभी आपके डेली रूटीन में ये सेंटेंस आए, मैं ये रखता हूं या मेरे पास है, तब आप उसमें यूज करें हैव जैसे। और आप ये भी ध्यान रखेंगे आई यू वी दे, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आप हैव का यूज करेंगे, लेकिन जैसे ही आपके पास में सिंगुलर सब्जेक्ट्स आए आप हैज का यूज करेंगे। आप ट्राई करेंगे मेरे साथ में और आप देखेंगे कि विद इन वन मिनट यू विल बी आल्सो एबल टू स्पीक सम सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश लाइक मेरे पास में मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। मेरे पास वॉच है, आई हैव अ वॉच। मेरे पास रिंग है, आई हैव अ रिंग। मेरे पास शर्ट है, आई हैव अ शर्ट। तुम्हारे पास एक शर्ट है, यू हैव अ शर्ट। तुम्हारे पास में बाइक है, यू हैव अ बाइक। एंड जैसे सीता के पास में एक पेन है, सीता हैज अ पेन। सीता के पास में शर्ट है, सीता हैज अ शर्ट। इट मीन्स जब जैसे राधा के पास में कार है, राधा हैज अ कार। जब भी आपको प्रेजेंट टेंस में रखने का सेंस आता हो तब आप उसमें हैज हैव टू का सॉरी हैव का यूज करेंगे आई यू वी दे सब्जेक्ट्स के साथ में। और जैसे ही आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको हैज का यूज करना है। लेकिन जैसे ही ये सेंटेंस पास्ट में आए, जैसे मेरे पास में कार थी, आई हैड ए कार। मेरे पास में एक मार्कर था, आई हैड ए मार्कर। मेरे पास में शर्ट था, आई हैड ए शर्ट। तब आप इसका यूज करेंगे पास्ट टेंस में हैड का यूज करते हुए। इसमें सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आप हैड का यूज करेंगे। जैसे राधा के पास में एक बुक थी, राधा हैड ए बुक। राधा के पास में एक फ्लैट था, राधा हैड ए फ्लैट। ऐसा कुछ करके आप प्रेजेंट टेंस के लिए हैव, हैज और पास्ट टेंस के लिए हैड का यूज करेंगे। लेकिन शर्त यह है, जब आपके पास में ये चीजें नहीं हो तब आप कैसे यूज करेंगे? जैसे अगर आपके पास में टेम्पररी नहीं है तब तो आप यूज करेंगे आई हैव नो मार्कर, आई हैव नो वॉच, आई हैव नो रिंग। इट मीन्स अभी नहीं मेरे पास में है। लेकिन अगर आपके पास में है ही नहीं, बिल्कुल परमानेंटली आपके पास में कोई चीज है ही नहीं, तब आप यूज करेंगे डोंट हैव का। जैसे मेरे पास में मार्कर नहीं है, इट मीन्स परमानेंटली नहीं है, तब आप बोलेंगे आई डोंट हैव अ मार्कर, आई डोंट हैव अ वॉच, आई डोंट हैव अ रिंग। मेरे पास में एक कार नहीं है। इसकी इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में राइट करें। थैंक यू, थैंक्स।